सो हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला कॉम्पिटेटिव रिव्यू के आईफोन XR के कॉम्पिटेटिव रिव्यू के बारे में। एंड गाइस देखो, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी देन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को मैं बोलूँगा कि मेक श्योर करना कि आप पूरा वॉच करना, एक एक पॉइंट जो मैं समझाने वाला हूँ XR से रिलेटेड आपको सुन लेना। क्या ये XR आपको 2023 के अंदर मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो इस चीज़ में बात करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, ये चीज़ जो है मेरा कॉम्पिटेटिव, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना क्योंकि इससे रिलेटेड ही मैं बात करने वाला हूँ। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए देखने आए हो XR को, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, तो उसके बारे में भी सुन लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आईफोन XR की अगर मैं कॉम्पिटेटिव रिव्यू के बारे में मैं बात करूँ, तो पिछले 10-12 दिन से मैं आईफोन XR के ऊपर कॉम्पिटेटिव के गेम प्लेस वगैरह खेल रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, एंड अभी फ़िलहाल देखो गाइस गर्मी चल रही है, गर्मियों का सीज़न है, ठीक है। तो गर्मियों के सीज़न में क्या हो रहा है ना कि ये जो मेरा XR है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना लैग ऑब्वियसली गाइस आईफोन होगा ही, ठीक है। चाहे अब मेरे जहाँ पे मैं खेलता हूँ इस एरिया में बहुत हीट गर्मी हो रखी है, तो अभी फ़िलहाल क्या है ना कि एक दो मैच खेलते के साथ ही जो मेरा जो XR है वो 40-45 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। एंड मैं सीलिंग फ़ैन के नीचे बैठ कर खेलता हूँ, अब फिर भी 40 के अराउंड मतलब इसके जो हीटिंग है पहुँच जाती है। तो इससे गाइस आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो कंडीशन होने वाला है, अगर आप एक ठंडे एरिया से बिलोंग करते हो तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है XR के अंदर। ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे को बोल देना कुछ भी, ठीक है। बट अगर आप ठंडे जगह से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आप मेरे जैसे एरिया से बिलोंग करते हो, लाइक जो मेरा एरिया है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, एंड यहाँ पे गाइस 40 डिग्री सेल्सियस या 38-37 के अराउंड डिग्री सेल्सियस है, एंड इसमें गाइस मेरे फ़ोन का जो हीट है वो आराम से पहुँच जा रहा है 45-48 ऐसे पहुँच जा रहा है। तो गाइस देखो, इस हीट में ना मेरा आईफोन XR बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। एंड अब अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे बंदे मेरे को बोलेंगे कि आपके गेम प्ले में तो लैग नहीं दिख रहा। तो गाइस देखो, अभी फ़िलहाल फर्स्ट मैच है, एंड अभी थोड़ा टाइम वेट करो गाइस, अभी आपको लैग वगैरह सब देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी लैग आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट अभी रोटेशन वगैरह डालूंगा ना तो लैग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे बंदे गाइस में से ये पूछ रहे थे कि आप नॉर्मली ये भी बता दो कि कॉम्पिटेटिव के लिए हमें आईफोन XR बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस देखो, इसके सिंपली दो कंडीशन निकल के आते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको पहला जो कंडीशन समझाया कि अगर आप एक नॉर्मल मतलब एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे ठंडक रहती है, मतलब सालों साल ठंडक रहती है, तो देन आप आईफोन XR परचेस कर सकते हो। एक आपको एकदम स्मूथ गेम प्ले निकाल के देने वाला XR, चाहे आप रिकॉर्डिंग करो चाहे रिकॉर्डिंग मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। XR काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर के साथ आता है, A12 जो बायोनिक चिप है आज की डेट में भी बहुत कैपेबल है, आपको BGMI 60 FPS पे रन कर देगा ऑन रिकॉर्डिंग, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट अब जो सेकंड मतलब जो पॉइंट निकल के आता है कि अगर आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ गर्मी पड़ती है, या फिर कह लो कि पूरे साल गर्मी रहती है, तो गाइस देखो, उस मामले में अगर आपके घर में AC वगैरह लग रहा है ना, तो आप XR को परचेस कर सकते हो। बट अगर गाइस आपके घर में AC वगैरह नहीं है, आप सीलिंग फ़ैन के नीचे बैठ के खेलते हो, देन मैं सोच बोलूँगा कि गाइस कॉम्पिटिटिव के लिए बेकार चॉइस रहने वाली है। एंड गाइज नोट करना, मैंने कॉम्पिटेटिव के लिए बोला है। अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए वीडियो देखने आए हो तो वीडियो को अभी और देख लो, मैं आगे भी बताने वाला हूँ। तो गाइज देखो, कॉम्पिटेटिव के लिए ये बेकार डिवाइस हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मान के चलो, अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट रेज करूँगा कि अगर आप देखो 2023 चल रहा है, ठीक है, एंड आज की डेट में आपको न्यू फ़ोन तो नहीं मिलने वाला है XR, एंड अगर आपको मैं बताऊँ सेकेंड हैंड भी आपको 20,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एंड 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर अगर आप आज की डेट में कोई फ़ोन न्यू देखोगे एंड्रॉयड के अंदर, तो आपको बेकार ही देखने को मिलेंगे। लाइक आपको क्या मिलेगा, IQOS 5 मिलेगा, IQOS Z5, IQOS Z7, चलो मैक्स टू मैक्स रेडमी K50i। बट गाइस आईफोन के सामने ये फ़ोन भी नहीं टिकने वाला है, XR काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है इन सब फ़ोन्स के मुकाबले। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइस अगर आपका बजट 20,000 रुपये से 1 रुपये भी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, तो देन आप XR की तरफ ही जाओ। चाहे आपका अगर आपका लैग वैग भी होगा ना, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 45 FPS से ऊपर ही FPS देगा, 40 से ऊपर ही FPS देने वाला है। इतना भी लैग नहीं हुआ कि आप खेल ही नहीं पाओ, आपको मतलब 45 FPS से तो ऊपर ही रहने वाला है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो 48 FPS तक ये आता है, चाहे कितनी भी हीट हो जाए इसके अंदर, हीटिंग इशू कितना भी आ जाए, 48 से वो नीचे नहीं जाता है मेरा XR, ठीक है। अब कंक्लूजन, दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है गाइस, कि
आपको मतलब इसका आप कैसे वो निकाल सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस देखो, अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक टेबल फ़ैन आता है, सस्ता सही आता है टेबल फ़ैन, जो कि आपके मुंह के जस्ट सामने होता है। तो अगर आपका फ़ोन उससे भी अच्छा खासा चिल्ड रह जाएगा आईफोन XR, तो देन आपको उसके अंदर भी अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होगा, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, आपको हीटिंग इशू जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस एक आपको टेबल फ़ैन भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपकी एकदम ज़्यादा ही बूस्ट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड गाइस देखो, अगर आप नॉर्मल यूसेज की बात करो, मेरे से पूछो कि नॉर्मल यूसेज के लिए आईफोन XR परचेस करें कि नहीं, तो गाइस नो डाउट खरीद सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नॉर्मल क्लासिक्स वगैरह खेलते हो तब तो गाइस देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल क्लासिक्स में ये हीट भी होता है तो इतना लैग नहीं करता जितना आपको कॉम्पिटिटिव में लैग देखने को मिलता है। बट अगर आप मेरे से पूछो कि एक जो चॉइस आता है कि आपको कॉम्पिटिटिव के लिए XR परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो गाइस देखो अगर आपका बजट एक्सटेंड हो सकता है, लाइक आप 25,000 या 27,000 तक एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपको सेकेंड हैंड आईफोन लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आईफोन 11 की तरफ जाओ। 11 भी मैं तब सजेस्ट करूँगा कि गाइस आपका अगर टाइट ही बजट है एकदम ही, अगर मान के चलो 40 के अराउंड आप खर्च कर सकते हो, तो देन आप आईफोन 12 ही खरीदो गाइस। अगर आप आईफोन 12 खरीदते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 4 साल, अगले जो 4 साल आने वाले 4 साल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी टाइप का लैग देखने को नहीं मिलेगा नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, वो भी कॉम्पिटिटिव में। एंड चलने को तो गाइस आईफोन 11 भी चल जाएगा, बट आईफोन 11 एक टाइप में पुराना हो चुका है गाइस, ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 11 पुराना हो चुका है। तो अगले 2 साल में उसके अंदर प्रॉब्लम, मतलब थोड़े बहुत अपडेट्स के थ्रू प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में रिलीज़ हुआ था वो भी, तो समझ जाओ गाइस ज़्यादा, मतलब एक आईफोन अगर मैं बात करूँ एकदम फुल पोटेंशियल में अपने 5 साल तक चलता है, ठीक है, एंड 5 साल इसको भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ आईफोन 12 की, तो 2020 का फ़ोन है, तो अगले 4-5 साल तक तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पूछूं आप मेरे से कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, तो आईफोन 12 बेस्ट चॉइस है। बट अगर आपको आपका बजट एकदम ही टाइट है तो आप अपने रेंज के हिसाब से आईफोन खरीद सकते हो। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी न्यू एंड्रॉयड को परचेस करो, लाइक K50i हो गया, या फिर आप IQ Z5 खरीद ले रहे हो या IQ Z7 खरीद रहे हो। तो गाइस मैं आपको कोई सा भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एंड्रॉयड की तरफ जाओ, चाहे वो बेशक वो न्यू एंड्रॉयड्स हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ओल्ड आईफोन ही खरीद लो, आपको उनसे मच 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 बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं बताऊं तो आईफोन्स का गाइस कोई टक्कर नहीं है। तो खैर गाइस यही थी आज की कुछ वीडियो, एंड मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यही थी मतलब यही थे मेरे ओपिनियंस। आपको अगर ओपिनियन मेरे पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।